स्टार्ट किए, मतलब जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। हाँ, तो अभी टाइम हो रहा है अप्रॉक्स 8:30 और मैं ट्रेन वाया ट्रेन जाने की सोच रहा हूँ। चलो देखते हैं ट्रेन कितनी देर में आती है और कब तक पहुँचता हूँ। दो ऑप्शन थे मेरे पास, या तो मैं चेंगलपट का टिकट लेता या मैं ताम्बरम कर लेता, बट चेंगलपट की ट्रेन आएगी 9:30 तो उससे कोई मतलब है नहीं, तो फिर ताम्बरम की ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, वहाँ से फिर ऑटो लेना पड़ेगा। मॉर्निंग का टाइम है तो ट्रेन खाली है, अच्छा है, मस्त आराम से सीट मिल गई। तो ये लिखा है नाम इंग्लिश में, जिसको तमिल नहीं आती उसके लिए, और बाकी तमिल लोगों के लिए मेन गेट पे लिखा है अच्छे से, जो कि मैं पढ़ भी नहीं सकता। मुझसे इन लोगों ने 115 रुपये लिए, 90 रुपये की टिकट और 25 फ़ोन के, और ये है अपनी एंट्री। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। ये है वीडियो अच्छे से दिखाने के लिए, क्लोज़अप के लिए, कि कैसा है वहाँ पे, कैसा दिखता है। ये मैप है, इसके थ्रू आप पूरा ज़ू घूम सकते हो। पहुँच गया फाइनली ज़ू, और साइकिल्स का ऑप्शन है यहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रिक साइकिल भी है, नॉर्मल साइकिल भी है, गियर वाली भी है, बट मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि पैदल जाना सही रहेगा, क्योंकि पैदल जाने में आपको साइकिल की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि अगर आप साइकिल लेते हो तो आपको साइकिल पहले पार्क करनी होगी, फिर एनिमल देखने जाना होगा, फिर वापस साइकिल उठानी पड़ेगी, तो इससे अच्छा है पैदल ही चल लेते हैं, चलते हैं जब तक है जान। इस टाइम मौसम बहुत शानदार है यार, तो चलने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, आराम से सब धीरे धीरे देखते हुए जा रहा हूँ। ये चिल्ड्रन पार्क है, बट अभी कोविड की वजह से बंद हो रखा है। बाकी यहाँ पर टॉय शॉप भी है, आप यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हो सॉफ्ट टॉयज की, तो क्यूट क्यूट टॉयज है यहाँ पर। और ऑल दो बंद था, मैंने प्राइस नहीं पूछी। ये साइकिल स्टैंड है, यहाँ से आप चाहो तो साइकिल ले लो रेंट पे, या पैदल जाओ। ये है मेन चीज़ जिसको देखने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि दिल्ली ज़ू में भी चिंपैंजी है, बट वो अकेली है ना, तो वो ज़्यादातर मिलती नहीं है लोगों से। बट ये शायद दो थे, एक अंदर था और इसके साथ एक बेबी भी है। वो कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है तो मैं दिखा नहीं पा रहा बेबी को, बट बहुत सही था। सो ये है अपना बटरफ्लाई गार्डन, और भाई ये क्लोज था पता है, मैं घुस गया और मैंने देख भी लिया। उसके बाद एक आंटी आई और वो कुछ बोल रहे थे तमिल में, और भाई हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। मैं पूरा देख के वापस आया, मैंने कहा ओ अच्छा अच्छा आंटी, मेरे को तमिल नहीं आती सॉरी, और मैं वापस बाहर आ गया। सी गेट लग रहा है, किस्मत अच्छी थी मेरी और कुछ नहीं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको जहाँ भी रास्ता मिले आप चले जाओ, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, कोई मना ही तो करेगा। सबसे बेस्ट चूल है सॉरी बोलो, ओह सॉरी 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 नेक्स्ट टाइम से नहीं करेंगे, बट ट्राई तो किया करो, जहाँ मौका मिले वहाँ चौका मार लो। अगर मैं वो नहीं करता तो इतना अच्छा सीन नहीं मिलता देखने को। ये वाला पार्ट मुझे बहुत सही लगा यार, मतलब पैसा वसूल वाला पार्ट होता ना किसी एक किसी चीज़ का, किसी ट्रिप का, वो वाला पार्ट ही था। अब आपको आगे पता लगेगा मैं किस सेंस में बात कर रहा हूँ। देखो सामने सीढ़ियाँ भी है और ये दीवार भी है, पर हम सीधे रास्ते से जाएंगे नहीं, तो भाई दीवार से चलते। ओके गॉट इट। तो ये वाला एरिया है अपना बर्ड सेंचुरी, मतलब एक तरह से सेंचुरी टाइप एक पूरा एरिया बना रखा है जहाँ पे आप बैठ के इस शानदार व्यू को देख सकते हो, मतलब दिन भर बैठ रहे हो आपको बोर नहीं होना। अब तक तो बहुत सही जा रहा है ट्रिप गाइस, मज़ा आ रहा है यार देख के, मतलब मस्त अच्छा डिसीजन था मेरा आने का यहाँ पे। मैंने रास्ते में कहीं पढ़ा था बीवेयर ऑफ डियर्स एंड स्नेक्स, डियर्स का मतलब मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया था, बट अब देखो पता चल रहा है ये लोग ऐसे घूम रहे हैं बिना किसी डर के। मैं जा रहा हूँ धीरे धीरे, मैं डराना नहीं चाहता, बट फर्स्ट टाइम इतने पास से देख रहा हूँ, बहुत सही है यार। आधा जू देख लिया,
थक गया भाई, मतलब थोड़ी देर रेस्ट कर रहा हूँ, फिर थोड़ा बाकी है वो देखता हूँ। मतलब 50% तो देख लिया, बाकी देखते हैं। अब धूप बहुत है यार, बारिश में आओ तो बहुत सही है। रेस्ट हो गया 5 मिनट का, आई एम बैक। चलो बचा हुआ जू देखते हैं। सारे लायन पैंथर वगैरह तो अभी सो रहे हैं, करीब 12 बज रहे हैं अभी, थक गए होंगे बेचारे। चलो यह है ओटर का केज, बहुत सही है। और पता ही है मेरे को, देख के मछली मांग रहा था इधर से, तब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट ऐसे खड़ा होकर अपने दोनों हाथों से मेरे से मछली मांग रहा था। ध्यान से देखो ये तैर रहे नीचे। यह है स्क्विरल मंकी, यार बहुत प्यारा है। मतलब ये देखो इसके दांत बाहर है। कितना सा है यार ये। जू में हर थोड़ी थोड़ी जगह पे ये कैंटीन वगैरह है जहाँ पे आप बैठ के खा सकते हो, पी सकते हो। ऑल्दो मैंने सोचा था कि जू में कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, बट डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है तो लेमन मिंट जूस ऑर्डर किया। सही है यार, 30 का दिया, देखते अब कैसा है। बकवास है, पीना तो पड़ेगा। ये 30 रुपये दिए। चलो पी के आगे बढ़ते हैं। ये है व्हाइट टाइगर्स का केज, यहाँ पे 4 है और एक अलग केज में था, तो आई थिंक टोटल जू में 5 है व्हाइट टाइगर्स, और बाकी 4 तो सो रहे हैं। ये एक अकेला पानी में मस्ती कर रहा है और शायद ही बाद में ऊपर आ नहीं पा रहा था, तो इसने बाकी के 3 टाइगर्स को आवाज़ लगाई थी, वो लोग थोड़ा हिले फिर वापस हो गए। तो ये तब से ये पानी में बैठा है, देखो यहाँ पे चिल्लाए भी रही है वहाँ पे कि बचाओ। मैं 10 मिनट देखा इसे, फिर मैं आगे बढ़ गया। ये है रूसी पेलिकन्स, एक तरह की वाटर बर्ड्स। इसको चेन से बांध रखा है यार दोनों पैरों से, बेचारा दूर जाना चाहता है बट आगे जाता है। जैसे चेन खत्म होती है फिर पीछे आ जाता है। हिप्पोपोटामस देखने के लिए है, स्टेज बना रखा है, ये चीज़ सही है। दिल्ली में है, दिल्ली जू में अच्छा था काफ़ी, मतलब आप पास में देख सकते थे, बट ये भी एक कृष्ण नया एक्सपीरियंस है। आप ऊपर से आराम से उनको देख सकते हो। देखो भैया ये है हमार हिप्पो लाला, खाओ पियो कीचड़ में नहाओ, मजा नहीं लाइफ। ऑल्दो ये इतना मोटा है फिर भी इंसानों से तेज भाग सकता है, और इनका जो स्वेट होता है ना, पसीना, वो गुलाबी रंग का होता है, पिंक कलर का होता है। यह है ऑस्ट्रिच, अब पता नहीं पानी के साथ कर क्या रही है, या तो ये पानी खा रही है या फिर चप 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 करते हुए पी रही है, जो भी है यार बहुत सही है, पहली बार देखा मैंने। अब मैं बाकी एनिमल्स के भी शेयर कर देता हूँ, और तो सारे नहीं कर सकता, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, बस कुछ फैक्ट्स एंड एनिमल्स है मेन वो उसको मैं शेयर कर देता हूँ। फाइनली सोलो ट्रिप ख़त्म हुआ, मुझे अप्रॉक्स 3 घंटे 40 मिनट लगे
और मेरे हिसाब से चलना बेहतर होगा, क्योंकि अगर साइकिल वाइकिल रहते हो ना तो वही सेम चीज़ होगी कि आपको पार्क करनी होगी, फिर देखना होगा, फिर वापस लेनी होगी। और सबसे बेकार तो गाड़ी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी, सारे साथ में जा रहे हैं, टाइम के साथ चलना पड़ेगा, रुक नहीं सकते। सोलो भी अच्छा है और किसी के साथ आओ तो भी अच्छा है, बट हाँ पैदल चलना सबसे बेस्ट है। और वेट करना, फिर कोई नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ किसी और जगह की, तब तक के लिए बाय।